मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है, तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे कामिल मोमिन वो है जो सबसे बेहतर इखलाक वाला हो, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो इखलाक में अपनी औरतों के हक में सबसे बेहतर हो। फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो इखलाक में बेहतर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झगड़े के वक्त झूठ बोलना छोड़ दे हालांकि वो ना हक पर है, इसके लिए इतराफ़ जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा, और जो शख्स हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे इसके लिए जन्नत के बीच में एक मकान बनाया जाएगा, और जो शख्स अपने इखलाक अच्छे बनाए इसके लिए आला जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। तफसील से खबर जानते हैं आज की हेडलाइंस। बोधन हल्का तरक्की के सिमत गामजन, देहातों में मजीद तरक्की व सहूलतों के लिए एमएलए शकील आमिर ने वजीर को पेश किया मकतूब। बोधन एमएलए शकील आमिर। सत्रह फरवरी यौम पैदाइश, चीफ मिनिस्टर केसीआर के मौके पर अवाम खूब शजरकारी करे, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। मुस्तहक गुरबा अवाम के लिए डबल बेडरूम मकानात तैयार, अवाम के देरीना ख्वाब की तकमील। 19 तारीख को होगा स्पीकर के हाथों डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह। बालकोंडा 44वें कौमी शाहरा पर दो लारियों के दरमियान कंटेनर हादसे का शिकार, ड्राइवर जाए मौके पर हलाक, पुलिस ने किया ट्रैफिक को बहाल। अब खबरें तफसील से। बोधन हल्के में पैदा हुए मसाइल की जल्द अज जल्द एक्सुई की जाए। बोधन एमएलए शकील आमिर ने वजीर बेमुला प्रशांत रेड्डी को मकतूब पेश किया। सड़कों की तामीरात के अलावा डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी देने की ख्वाहिश जाहिर की। बोधन मंडल के इराजपल्ली गांव के लिए डबल लाइन रोड सेंट्रल लाइटिंग के तामीरती कामों को अंजाम देने आरएनबी महकमे के वजीर रियासती वेमुला प्रशांत रेड्डी से एमएलए शकील आमिर ने ख्वाहिश जाहिर की, और मावंदी किलान गांव के लिए डबल लाइन रोड में ज़मीनों का नुकसान हुए अफराद को नुकसानी मुआवजा देने के लिए 96 लाख रुपयों की मंजूरी देते हुए उनके साथ इंसाफ करने की एमएलए शकील आमिर ने वजीर की नज़रसानी करवाई, और खस्ता हालत में मौजूद D40 और D28 किनालों की मरम्मत व शटर्स नस्ब करवाने की ख्वाहिश की, और अमदापुर से संगम गाँव तक BT रोड और ऊटपल्ली से पोसानी कुंटे तक BT रोड, बोधन और नवीपेट मंडलों की अलाहिदगी के बारे में वजीर को मालूमात दी। बोधन हल्के के तांडू में तरक्यात के बारे में और हल्के में नए ग्राम पंचायतों को लिंक रोडों को डलवाने का इजहार किया। इसी तरह एड़पल्ली में इराजपल्ली तक BT रोड रिन्यूअल के बारे में और हल्के के देहातों में कसीर तादाद में डबल बेडरूम मकानात के बारे में वजीर को करारदाद देने का एमएलए शकील आमिर ने वाजे किया। इस प्रोग्राम में एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, बाजी रेड्डी गोवर्धन, कलेक्टर सी नारायण रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। 17 फरवरी यौम पैदाइश चीफ मिनिस्टर KCR के मौके पर जिले के तमाम मुकामात पर शजरकारी करें और पौधों की हिफाजत के लिए खसूसी इकदाम, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बताया है कि 17 फरवरी को जिले के तमाम मुकामात पर शजरकारी की जा रही है। उन्होंने सेल कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतालिका अहदेदारों के साथ
इजलास मुनाकिद करते हुए इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी होगा कि 17 फरवरी को रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के जन्मदिन के मौके पर सारी रियासत में 1 करोड़ पौधों की शजरकारी का नशाना मुकर्रर किया गया। राज्यसभा एमपी मधु ने 17 फरवरी को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जन्मदिन तक सारी रियासत में शजरकारी की मुहिम चला रही। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मुतालिका महकमा जात के अहदेदारों को हिदायत जारी की कि शजरकारी के सिलसिले में इकदाम किए जाए और पौधों की सरबराही अमल में लाई जाए। ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शजरकारी को अहमियत दी जा रही ताकि रियासत तेलंगाना को सरसब्ज व शादाब बनाया जा सके। रियासत के हर मुकाम पर माहौल को सेहतमंद बनाने के लिए शजरकारी बेहद ज़रूरी है। रियासत तेलंगाना सरसब्ज व शादाब होती जा रही। कोरोना का असर कम होने से हुकूमत प्राइवेट स्कूल्स में तालीम जारी की, DEO दुर्गा प्रसाद का बयान। तलबा अपनी तालीम पर ही तवज्जो दे और सालाना इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश की। इस माह की 1 तारीख से 9 और 10वीं जमातों के तलबा के लिए स्कूल्स में खसूसी क्लासेस को लगाने पर ज़िला तालीमी अहदेदार दुर्गा प्रसाद ने तूफ़ानी दौरा करते हुए स्कूल्स की तनखी की। जुमेरात के रोज़ आरमोर शहर के कस्तूरबा गांधी तालिबात स्कूल, मॉडल स्कूल और पेरकिट के ZP हाई स्कूल का जायज़ा लिया। ब्रिलियंट ग्रामर स्कूल और कृष्णावेनी हाई स्कूल की अचानक तनखी की। मुख्तलिफ स्कूल्स का मुआयना करते हुए मंडल तालीमी महकमे के अहदेदारों हेडमास्टर्स को कई मशवरे दिए। क्लासरूम्स मिड डे मील्स के तरीक़ेकार का मुशाहदा किया। कोरोना पाबंदियों को लाजमी तौर पर अमल में लाने के अहकाम भी जारी किए। स्कूल के इहातों को साफ सुथरा रखने का मशवरा दिया। गुज़िश्ता साल इम्तिहान लिए बिना ही रियासती हुकूमत ने तमाम तलबा को पास किया, लेकिन इस साल सालाना इम्तहान लेने का फैसला ली और मई माह के 17 तारीख से 22 तारीख तक 10वीं जमात के इम्तहान लेने का इजहार किया। इस मौके पर हेडमास्टर गंगैया ने तलबा से कहा कि वो अपनी तालीम पर ख़ास तवज्जो दे, इम्तिहान के बिना पास होने के ख्यालों में ना रहे, मशवरा दिया। और विजय स्कूल एकेडमी डायरेक्टर सुजाता ने कहा कि कोरोना असर से बंद हुए स्कूल्स हुकूमत फिर से आगाज करने पर मसरत जाहिर की। निन्ना तेलंगाना प्रभुत्वम पाठशाला विद्याशाखा नीचे मन को सर्क्युलर जारी अयिंदी। अदेंटे पदव तरगति चलत विद्यार्थुक परीक्ष नीचे मोदल आ परीक्ष षेड्यूल विद्ला जरिए आड्यूल मन को मत 6 एग्जाम्स ये रोजलो अच्छे 17 तारीख नीचे स्टार्ट 22 तारीख वरकू एग्जाम्स उबटी विद्यार्थु इप्ति वरकू दादापू जून नीचे मन को पाठशाल प्रारंभिंदी को महमारी मन భూమి పైకి వచ్చేసి అందరికీ రకరకాల అల్లకల్లోలం సృష్టించింది। అందువల్ల విద్యార్థులు కూడా చాలా సఫర్ కావడం జరిగింది। అయితే ఈ ఎప్పుడైతే మనకు పాఠశాల ప్రారంభమైందో ఆ పాఠశాల ప్రారంభమైంది కాబట్టి అప్పటి నుంచి పిల్లలు రెగ్యులర్గా స్కూల్కి వచ్చి పాఠశాలలో జరుగుతున్నటువంటి తరగతులు విని తక్కువ సమయం ఉంది ఇప్పటిదాకా మనకు ఈ ఫిబ్రవరి నుంచి మనకు మే వరకు ఒక 3 నెలలు మనకు టైం ఉంది కాబట్టి ఈ జరిగేటువంటి క్లాసులు శ్రద్ధగా విని ఇంతకు ముందు విన్నటువంటి ఆన్లైన్ క్లాసులను అనుసంధానం చేసుకొని మంచి మార్కులలో విద్యార్థులు పాస్ అవ్వాలని సూచిస్తున్నాము। అయితే విద్యార్థులు కష్టపడి చదివినట్లయితే మంచి మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది। అయితే గత సంవత్సరము విద్యార్థులందరినీ పాస్ చేశారు కోవిడ్ నిబంధనల తల్లిదండ్రుల తర్వాత మేము కూడా పిల్లల్ని చూడాలి, వాళ్ళకి చెప్పాలి, వాళ్ళని చదివించాలి, వాళ్ళకి మంచి మార్క్స్ రావాలి అని ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటాం। వాళ్ళు మంచి పదవుల్లో ఉంటే ముందు ఇంకా ఆనందంగా ఉంటుంది। అసలు ఎవరు ఎలా చదివారు, ఎలా ఉన్నారు అని చూడకుండా ఈ బ్యాచ్ వెళ్ళిపోద్దా అని అనుకున్నాను। బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, సెప్టెంబర్లో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి, ఫిబ్రవరి 1 నుంచి ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి। వీఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ ఫిజికల్లీ విత్ ద చిల్డ్రన్ ఫర్ దాట్ విత్ గాడ్స్ గ్రేస్ ఐ థింక్ ఐ ఫీల్ లైక్ దాట్ బికాస్ దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ। ఐ ఆస్క్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ whether you are happy in the school or house, I asked, madam, we are happy in the school only, we are interacting with my friends and teachers, we are very happy, madam, they were telling, and naaku kuda chaala
ఆల్రెడీ మనకు 10 to 11 months చాలా వేస్ట్ అయిపోయింది డ్యూ టు దిస్ కోవిడ్ వల్ల, కరోనా వల్ల. సో ఇన్ని రోజులు ఇంట్లో కూర్చున్నారు, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉన్నారు. దాని పట్ల మీరు సక్రమంగా, అంటే మీరు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్, స్కూల్లో ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ మీకు ఇంట్లో కలగకపోవచ్చు. బట్ ఇప్పుడు మనకు ప్రభుత్వం కల్పించిన ఈ అవకాశం ఏదో ఉందో ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి సద్వినియోగపరచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇక ఉన్న ఈ 4 నెలల్లో ఏదున్నా కూడా చాలా పకడ్బందీగా ఈసారి మన గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయాలనే ఆలోచన ఉన్నది. ముందులాగా సింపుల్గా ప్రమోట్ చేయడం లాంటిది ఇలాంటివి ఏం లేదు. इस माह की 19 तारीख को गुरबा के जाति मकानों का ख्वाब शर्मिंदा होगा. स्पीकर पोचराम निवासडी के अहकामात पर कामों को मुकम्मल करवाने के लिए तेजी लाई गई. मोसरा मंडल मुस्तकर में इफ्तिताह के लिए तैयार मौजूद डबल बेडरूम मकानात का स्पीकर पोचराम निवासडी के अहकामात पर उनके पीए भगवान रेड्डी, ZPTC गुप्ता विजय, भास्कर रेड्डी ने इंतजाम का जायजा लिया. तामीरात मुकम्मल हुई मकानों का मुशाहिदा किया और इस माह की 19 तारीख को स्पीकर पोचराम निवास रेड्डी डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करने के लिए मोसरा मंडल मुस्तकर में आने के मौके पर बकाया बचे कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने का मशवरा दिया. बर्की पोल्स 2-3 रोज़ में नस्ब करके मकानों को बर्की कनेक्शन देते हुए इफ्तिताह के लिए तैयार रखने का अहदेदारों को दिया मशवरा. कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत करते हुए रोड और ड्रेनेज को इस्तेमाल में लाने का इजहार किया. इस प्रोग्राम में तहसीलदार रजनी कुमार, MPDO भारती, सरपंच सुमलता बर्की अहदेदारों ने शिरकत की. किसान मार्केट में मुतालबा होने वाली फसलों को ही उगाने पर माली तौर पर मुस्तहकम बनेंगे. DCCB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी का बयान. जहरीली दवाओं का कम इस्तेमाल करते हुए कुदरती खादों पर जहन देने का किसानों को दिया मशवरा. वेलपुर मंडल के अक्सापुर गांव में वाकई रायतु विदेका इमारत में किसान तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद किए. इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से DCCB वाइस चेयरमैन कुंटा रमेश रेड्डी, ज़राती महकमे के भीमगल AD मलैया ने शिरकत की. इस मौके पर उन्होंने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि नफा बख्श ज़राअत करते हुए माली तौर पर मुस्तहकम बने. इसी तरह किसान कुदरती खादों को तरजीह देकर अपनी फसलें उगाने पर नफा बख्श साबित होने की बात कही. फसलों को उगाने के बारे में AD मलैया ने किसानों को मालूमात दी और रिवाजी फसलों को उगाने से उम्मीद के मसावी नफा ना मिलने और जदीद तर्ज इस्तेमाल करते हुए फसलों को उगाने का उन्होंने किसानों को मशवरा दिया. इस प्रोग्राम में AMC चेयरमैन के चिन्ना रेड्डी, वेलपुर वाइस MPP सुरेश, सरपंच ए राजेश्वर, सोसाइटी चेयरमैन हनुमंत रेड्डी, मिट्टापल्ली महिपाल, MPTC महिंदर व दिगर ने शिरकत की. कोरोना का असर. 2021 में भी हज बैरूनी शहरियों के लिए नामुमकिन. सऊदी हुकूमत के कई एहतियाती इकदामात मुतारुफ. बैरूनी शहरियों के दाखिले पर आरजी इम्तिना आयत. आलमी वबा कोरोना वायरस या COVID-19 ने हज 2020 को बैरूनी शहरियों के लिए नामुमकिन बनाया है और एक साल बाद हज 2021 भी इस वबा के सबब कम अज कम बैरूनी बिलखसूस हिंदुस्तानी शहरियों के लिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा. इसका बड़ा सबब सल्तनत सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसों में इजाफा है. सऊदी हुकूमत ने ताज़ा कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र कई एहतियाती इकदाम मुतारफ़ कराए हैं जिनके तहत
हाल ही में कई ममालिक से आने वाले बैरूनी शहरियों के दाखिले पर आर्जी इम्तना आयद कर दिया गया था। बदकिस्मती से इन मुल्कों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान शामिल है। दीगर ममालिक में मिस्र, मुतहद अरब इमारात, फ्रांस, तुर्की, बरतानिया, अमेरिका और दीगर यूरोपी वगैरह भी शामिल है। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के टाउन से इंदलवाई मंडल को मिसाली बनाया जाएगा। एमपीपी रमेश नायक का बयान, देहातों की तरक्यात के लिए रियासती हुकूमत खसूसी फंड्स मख्तस करने पर सताइश की। इंदलवाई मंडल के सरहदी चंद्रायन पल्ली गांव में तमानियत रोजगार स्कीम के जरिए 10 लाख रुपयों के फंड से नए तामीर की जा रही सीसी सड़क के कामों का एमपीपी रमेश नायक सरपंच ललिता दास के साथ मिलकर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर एमपीपी ने कहा कि मुकामी एमएलए के ताउन से तमाम देहातों को तरक्की पर गामजन किया जाएगा और एमपीटीसी के लिए खसूसी फंड्स मख्तस करने का वजीर आला केसीआर ऐलान करने पर सताइश की और ग्रीचन देहातों को तरक्की पर लाने के लिए एमएलए खसूसी तवज्जो दे रहे, उनकी दिलचस्पी से ही देहातों को तरक्की पर लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी डायरेक्टर गंगा रेड्डी, टीआरएस कायदीन व दही तरक्याती कमेटी मेम्बरान और दीगर ने शिरकत की। गौरानेलो बाजीरेड्डी गोवर्धन गारी आदेश मेरे को ये गन्नार मन चंद्रपल्ली ग्रामा की 10 लक्षल निधुलु केटायिस्तामनि चेप्पेसि वारु माट इव्वडं जरिगिंदि। ఆ మాట ప్రకారమే ఈరోజు గోవర్న గారి మరియు శ్రీమతి ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారి కృషితో చంద్రానపల్లి గ్రామంలో 10 లక్షలు నిధులు మంజూరు అవ్వడం జరిగింది। ఈరోజు పని ప్రారంభానికి సోదరి సర్పంచ్ మరియు మా గ్రామ పాలకవర్గము, విడిసి సభ్యులు, టిఆర్ఎస్ నాయకులు మరి అందరి సమక్షంలో ఈరోజు ఈ యొక్క మన పిఎస్ఎస్ డైరెక్టర్లు అందరి సమక్షంలో పనులను ప్రారంభించడం జరిగింది। ఈరోజు ఇందల్వాయి మండలంలో టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో చాలా అతిశ్రవేగంగా అభివృద్ధి పనులు చేపడతా ఉన్నారు మరియు రాబోయే రోజుల్లో కూడా షహర్ మే ఆవారా కుత్తోం కి కసరత్ మాసూం బచ్చే తల్బా ఆర్ అవామ్ కో దుష్వారియోం కా సామ్నా మున్సిపల్ అమలే కి తవజ్జా కి అషద్ జరూరత్ షహర్ నిజామాబాద్ బిల్ఖుసూస్ అఖలియతి ఇలాఖోం మే ఆవారా కుత్తోం కి కసరత్ సే ఖవాతీన్ బచ్చోం తల్బా और मुसलियानी मस्जिद को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवारा कुत्तों की कसरत हो गई है। रोज़ाना ख़वातीन, बच्चों और तलबा के अलावा मुसलियानी मस्जिद की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। आवारा कुत्ते इंसानों पर हमला करके ज़ख्मी करने के वाक़यात साबिक में पेश आ चुके हैं। शहर के आवाम का म्यूनसिपल कमिश्नर, डिप्टी मेयर और मुकामी कॉरपोरेटर से पुरजोर मुतालिबा है कि वो आवारा कुत्तों का जल्द अज जल्द खात्मा करें। गल्फ जाने वाले बेरोजगार एजेंटों के हाथों हो रहे धोखादही का शिकार। बेरोजगार नौजवानों के लिए 14 फरवरी बरोज इतवार एमआर गार्डन फंक्शन हॉल पेरकिट पर शौर बेदारी का इनेकाद, नौजवान कसीर तादाद में शिरकत करें। किसान तंजीम के रियासती सदर व गल्फ मुतासरीन की मदद के लिए आगे रहने वाले के नरसिम्हा नायडू ने प्रेस मीट के दौरान बताया कि रोजगार के लिए गल्फ जाने वाले मजदूर अफराद एजेंटों के धोखे में आकर गल्फ में काम न मिलने की वजह से परेशान हो रहे और मखरूस होकर खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे। इनकी मदद करने की अशद जरूरत है। इस जिमन में गल्फ मुतासरीन के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम उनके मसाइल के हल के जिमन में 14 फरवरी बरोज इतवार सुबह 10 बजे एमआर गार्डन फंक्शन हॉल पेरकिट में रखा गया। उन्होंने शिरकत की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में तिरुपति रेड्डी, महेश और दिगर भी मौजूद थे। ప్రవాస భారతీయుల హక్కులు సంక్షేమ వేదిక ఆధ్వర్యంలో మరి ఈ నెల 14వ తేదీ నాడు ఆదివారం రోజు ఉదయం 10 గంటలకు మరి పెరికిట్లోని ఎంఆర్ గార్డెన్లో మరి ఈ యొక్క నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఎంతమంది అయితే కవులు, గాయకులు, కళాకారులు, రచయితలు వీళ్ళందరినీ కూడా మరి ఆహ్వానించి మరి ఈ గల్ఫ్ కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో ముఖ్యంగా గల్ఫ్ దేశాల్లో మరి ఇటీవల కూడా వెళ్ళి అక్కడ సరైన పని లేక ఉద్యోగాలు సరిగా దొరకక లేకపోతే కంపెనీల్లో పనిచేసినప్పటికీ జీతాలు రాకుండా అనేక మంది నిరాశ నిస్పృహలలో ఉన్నారు।
కొంతమంది ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకుంటున్నారు. మరి వీళ్ళందరికీ కూడా మనోధైర్యం కల్పించడం, అదే విధంగా ఇక్కడ మరి తెలిసి తెలియక ఏజెంట్ చెప్పినటువంటి మాటలు నమ్మి ఇప్పటికీ ఇంకా గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్తున్న వాళ్ళను మరి చైతన్యం కలిగించడం. ముల్క్కి హిఫాజత్ మీ ఫౌజియోన్ కి ఖిద్మత్ నాఖాబిలే ఫరామోష్, భారత్ ఎస్కార్ట్ అండ్ గైడ్ సెక్రటరీ నర్సింహులు కా బయాన్. नौजवान हरकत में आते हुए आर्मी में शामिल हो. शहर के प्रगति भवन में वाक़ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स निज़ामाबाद ज़िला ऑफिस में ज़िला सेक्रेटरी नरसिम्हलू के तहत लीडरशिप तरबियती कैंप का इफ्तिताही प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया. इस मौके पर सेक्रेटरी नरसिम्हलू ने कहा कि हर साल की तरह इस साल मुतहदा निज़ामाबाद व कामारेड्डी ज़िलों के सरकारी स्कूल्स में खिदमात बजा ला रही पीटी असातिज़ा की जानिब से लीडरशिप प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया और हर साल ये प्रोग्राम हैदराबाद में मुनाक़िद किया जाता था, लेकिन कोविड के असर से निज़ामाबाद ज़िले में मुनाक़िद करने की बात कही. स्काउट एंड गाइड्स चेयरमैन एमएलसी कविता की मंजूरी से निज़ामाबाद ज़िले में प्रोग्राम मुनाक़िद करने की बात बताई. इस तरबियती प्रोग्राम में भारत फौजी दस्ते किस तरह से टेंट लगाते हैं, सीढ़ियाँ और झूलों को किस तरह तैयार किया जाता है, इस बारे में तरबियत देने का इजहार किया और पहले स्कॉट परचम लहराते हुए सैल्यूट किया. लेडीज टीचर्स को इव जो कोर्स फिब्रवरी 11 वरकू 8 रोजलु कोनसागडम जरुगुतुंदी. दीनिकि गानु राष्ट्रम नुंचि एसटीसी श्रीमती सुगुणा राजेंद्रन गारु विचेयडम जरिगिंदी. अदे विधंगा सीनियर फैकल्टी भरतमात गारु मरियु सुब्बलक्ष्मी गारु कूडा रावडम जरिगिंदी. ई क्यांपुकु अन्नी चूसुकोवडानिकि गानु मन निजामाबाद जिल्ला एएसओसी लिंगम सारु दग्गर उंडि अन्नी चूसुकोवडम जरुगुतुंदी. मन अदे विधंगा एंपी राजुलु गारिनि ई असोसिएशन सेक्रेटरी गारु ఈ దీనికి శానిటేషన్ అవన్నీ కూడా ఇన్ఛార్జెస్ గా ఉండి రోజు రోజు మున్సిపాలిటీ నుంచి శానిటేషన్ చేపిస్తూ తగు హైజీనిక్ కండిషన్స్ చూసుకోవడం జరుగుతుంది. దీనికి ఫుడ్ ఇన్ఛార్జిగా మన వి లక్ష్మణ్ గారు. టిఆర్ఎస్ హుకుమత్ ముస్లిమానో సే కే వాదే కో పూరా కరే ఔర్ 12% తహఫుజాత్ కో యకీనీ బనాయే, కాంగ్రెస్ కాయదీన్ కా ముతాల్బా. टीआरएस हुकूमत मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए इंतखाबात के दौरान 12% तहफ़ुज़ात देने का वादा की, लेकिन 7 साल गुजर जाने के बावजूद इस वादे को पूरा नहीं किया गया. इन ख्यालात का इजहार कांग्रेस एक्टिव लीडर शेख बबलू ने आरमूर में प्रेस मीट के दौरान किया. आगे बताते हुए कहा कि केसीआर ने इंतखाबात के दौरान 12% तहफुजात का झूठा वादा करते हुए मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के वोट तो हासिल की और इख्तदार संभाल लिया, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटीज से किया गया वादे को पूरा नहीं किया गया. हालांकि टीआरएस हुकूमत में बड़े बड़े मुस्लिम कायदीन मौजूद थे, एक रियासती काबीना में एक और रुकन असम्बली है और दीगर कायदीन भी मौजूद थे, लेकिन मुसलमानों के लिए तहफुजात की फराहमी के लिए जुबान खोलने की जरूरत नहीं है. उन्होंने आर्मोर कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुतालबा किया कि केसीआर हुकूमत फौरी तौर पर तहफुजात फराहम करे वरना शदीद एहतजाज की धमकी दी. इस मौके पर शेख सलमान पाशा व दीगर भी मौजूद थे. 7वां साल चल रहा केसीआर आने के बाद 12% के बारे में कोई भी लोग सामने नहीं हो रहे, खाली इलेक्शन के सामने खाली बोल रहे, सभा में जहाँ बोले वहाँ बोल रहे, मुसलमानों को यूज़ कर रहे, छोड़ रहे पन की अभी तक 12% के बारे में कोई भी नहीं बोल रहे. आज इतने बड़े लोग हैं, महमूद अली साहब है, शकील साहब है, हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग कोई कान में केसीआर साहब के कोई भी अभी तक नहीं बोल रहे. इतने सभा लगा रहे पन की 12% के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे. अभी तक वादा करके छोड़े लेकिन अभी तक भी 12% के जिक्र नहीं निकाल रहे. कई को बोले तो किसका उन्हों काम कर ले रहे, हट जा रहे. 2014 कट ऑफ तारीख को हटाते हुए बीड़ी सनतों में काम कर रहे तमाम कैटेगरीज मजदूरों को गुजर बसर मुआवजा अदा किया जाए, आईएफटीयू ने मुतालिबा किया. हुकूमत इस बारे में दिलचस्पी ना लेने की सूरत में शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबाह दिया. 2016 रुपये गुजर बसर मुआवजा देने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कमरपली मंडल मुस्तकर में बीड़ी मजदूरों ने
भारी रैली निकाली। IFTU के तहत बस स्टैंड से सैकड़ों की तादाद में बीड़ी मजदूर रैली निकालते हुए MPDO ऑफिस पर शिरकत करते हुए धरना मुनजम किया। इसके बाद MPDO को मकतूब पेश किया। इस मौके पर बीड़ी मजदूर संगम मंडल सदर ने कहा कि 2014 कट ऑफ तारीख को हटा देते हुए बीड़ी मजदूरों को गुजर बसर मुआवजा देने का मोड़ताड़ में लगाए गए असम्बली इंतखाबात की तशहीर में वजीर आला KCR ऐलान करने की याद दहानी की। इख्तदार में आने के बाद अपने वादे की पासबानी ना करने का इजहार किया और 2014 से कबले के मजदूरों को मुआवजा दिया जाना ठीक ना होने की बात कही और 2014 कट ऑफ तारीख को हटाते हुए PF मौजूद मजदूरों को 2016 गुजर बसर मुआवजा देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में संगम नायब सदर राधा वरालक्ष्मी जमुना व दीगर भी मौजूद थे। కమ్మర్ పెడికి వచ్చారు ఎందుకంటే వాళ్ళ కార్ఖాన నడవడం లేదు రెండు రోజులు 11 రోజులు 12 రోజులు మాత్రమే నడుస్తున్నది చేసుకోవడానికి వీడియో కూడా కరువైపోతున్నాయి కనుక ఏదైతే జీవన వృత్తి కేసీఆర్ మోర్తాడులో తన ఎలక్షన్ మూమెంట్ లా రెండు సార్లు వాగ్దానం చేశాడు కానీ అమలు చేయలేడు కొంతమంది హజ్జామ్ తబ్కే కే ఫన్ పేషే కి హిఫాజత్ కర్నే కే లియే హజ్జామో నే ఎహ్తిజాజీ ముజాహిరా కియా దిగర్ తబ్కాత్ కే అఫ్రాద్ हज्जाम पेशे को अंजाम देने से उन्हें जरिए माश से महरूम होने का खतरा लाहक होने पर बौखलाहट जाहिर की। इस बारे में हुकूमत फौरन एकदमात ले मुतालिबा किया। रेंजल मंडल मुस्तखर के तहसील ऑफिस के सामने हज्जामों ने धरना मुनजम किया। कॉरपोरेट इदारों के सैलून्स पर पाबंदी आयद करने की नाराबाजी की। इसके बाद उनके मसाइल की एक्सुई के लिए तहसीलदार शशि भूषण को मकतूब पेश किया। इस मौके पर हज्जाम संगम JSC मंडल सेक्रेटरी साइलू ने कहा कि कॉरपोरेट इदारों व दीगर रियासतों से आए अफराद हज्जामती काम अंजाम देने पर अफसोस जाहिर किया और हज्जाम पेशे को दीगर अफराद ना करने के लिए जियो की इजराई करने की हुकूमत से ख्वाहिश की। रियासती हुकूमत हज्जामों की तरक्की के लिए 2 मरतबा 250 करोड़ रुपयों के हिसाब से मंजूरी देकर इस फंड्स को वापस लेने पर अफसोस जताया और हज्जाम तबका पैदा होने से मौत तक अपनी पेशी पर भरोसा करते हुए अपनी खिदमात अंजाम दे रही रियासती हुकूमत फौरन दिलचस्पी लेते हुए हज्जामों के मसाइल की एक्सुई करे ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में हज्जाम संगम सदर नारायण जी नरेश जनार्दन श्रीनिवास नवीन व दिगर ने शिरकत की। రోడ్ షాపులు ఓపెన్ చేస్తూ ఇతర కులస్తులు మరి మా జాతికి అన్యాయం జరుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ రోజుకు 25వ రోజు మరి మంచిర్యాల జిల్లాలో జిల్లా సంతం షాపుల నుంచి బంధు పెట్టి వాళ్ళు నిరసన తెలియజేస్తున్నారు వాళ్లకు మద్దతుగా మరి నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్నటువంటి 4 మండలాల నాయ బ్రాహ్మణుల సోదరులందరూ కలిసి ఈ రోజు మరి శక్కర్నగర్ చౌరస్తా నుండి RDO ఆఫీస్ వరకు ర్యాలీగా వచ్చి మరి ఏదైతే ఈ వృత్తి ఉందో మరి ఇతర కులస్తులకు కూడా ఇప్పుడు గౌడ కులస్తులు కానీ వేరే కులస్తులకు వాళ్ళకు ఒక ప్రత్యేక జీవ ఉంది అదే విధంగా ప్రభుత్వం కూడా మాకు ఒక ప్రత్యేక జీవో ఇస్తూ మా వృత్తిని కాపాడాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ ర్యాలీ ద్వారా నిరసన తెలియజేస్తూ మరి మంచిర్యాల జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మా సోదరులకు సంఘీభావంగా కూడా మేము ఈరోజు అందరం కూడా షాపులు బంద్ పెట్టి మరి మాతో పాటు రజకులు కూడా మాకు మద్దతు ఇచ్చినందుకు రజక సోదరులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడు రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాలలో కూడా ఖచ్చితంగా నాయ బ్రాహ్మణ సోదరులకు గతంలో చెప్పినటువంటి మంత్రివర్యులు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఇప్పుడైనా కనువిప్పి ఇప్పి మరి మా జాతికి న్యాయం చేస్తూ మరి మాకు ఏదైతే 250 కోట్లు సుభాష్ సాదిక్ వే సడక్ హాసిమి ఏక్ షఖ్స్ ఫౌత్ कौमी शाहरा पर हुए सड़क हादसे ने हर एक को गमजदा कर दिया। बालकोंडा मंडल मुस्तकर के सरहदी 44वें कौमी शाहरा पर हुए सड़क हादसे में उत्तराखंड का रहने वाला लारी ड्राइवर जाए मौके पर ही फौत हो गया। पुलिस व मुकामी अवाम के बयान के मुताबिक नागपुर से हैदराबाद की तरफ जा रहे कंटेनर दो लारियों से टकराने से ये हादसा दरपेश हुआ। कंटेनर ड्राइवर दोनों लारियों के दरमियान फंस जाकर आखिरी सांस ली। इस हादसे में बकाया दो ड्राइवर्स व क्लीनर्स को किसी भी तरह के जख्म नहीं आए और जाए मौके पर पहुंची पुलिस क्रेन की मदद से ड्राइवर की नाश को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया और कौमी शहरा पर सड़क हादसा पेश आने से कसीर तादाद में गाड़ियां जमा हो गई। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बोधन हल्का तरक्की के सिमत गामजन
देहातों में मजीद तरक्की व सहूलतों के लिए एमएलए शकील आमिर ने वजीर को पेश किया मक्तूब। बोधन एमएलए शकील आमिर। सत्रह फरवरी यौम पैदाइश, चीफ मिनिस्टर केसीआर के मौके पर अवाम खूब शजरकारी करे, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। मुस्तहक गुरबा अवाम के लिए डबल बेडरूम मकानात तैयार, अवाम के देरीना ख्वाब की तकमील। 19 तारीख को होगा स्पीकर के हाथों डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह। बालकोंडा 44वें कौमी शाहरा पर दो लारियों के दरमियान कंटेनर हादसे का शिकार, ड्राइवर जाए मौके पर हलाक, पुलिस ने किया ट्रैफिक को बहाल। तो ये थी खबरों की तफसील, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।